हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हम करंट वाला पार्ट कवर कर रहे थे, आज इसमें हम फिर से छत्तीसगढ़ के करंट के बारे में देखेंगे। आज के वीडियो में हम मुख्य रूप से कौन कौन सी महिला विधायक जीत कर आई हैं, कि हमारे यहाँ हाई कोर्ट में कौन कौन से जजों की नियुक्ति हुई है, कितने पुराने जज रहे हैं, ये सब पार्ट जितने भी इम्पोर्टेंट करंट से रिलेटेड है, और ये करंट के अलावा सीजी के प्रशासनिक पार्ट में भी ये क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब पूरे आप वीडियो जो है आज के वीडियो में हम ये सब पार्ट को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। इसके अलावा कल के वीडियो में भी कुछ कमेंट आ रहे थे कि जो सीजी के करंट में इकोनॉमिक सर्वे या कुछ आंकड़े वाले क्वेश्चन है उसको कराने, और इंडिया लेवल का भी, तो उसको भी हम करेंगे। जैसे कि मैंने बोला था, करंट में हम उसको भी कवर करेंगे, तो उसकी चिंता मत कीजिए, वो भी कवर हो जाएगा। तो चलिए चालू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या अभी कितनी है, यानी जो पांचवी विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसमें 90 सीटों के चुनाव में कितनी महिलाएं जीत कर आई हैं। तो महिलाओं की संख्या जो है वो है 13, यानी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव जो पांचवी पांचवी विधानसभा के चुनाव, तो उसमें 13 महिलाएं चुनी गई हैं। तो कौन कौन सी महिलाएं कहाँ कहाँ से चुनी गई है उसको देखते हैं। सबसे पहले अंबिका सिंहदेव, अंबिका सिंहदेव जो है बैकुंठपुर विधानसभा से जीत कर आई है। सेकंड नंबर में है संगीता सिंह, संगीता सिंह जो कि संजारी बालोद से जीत कर आई हैं। तीसरे नंबर पे छन्नी साहू, छन्नी साहू जो कि खुज्जी विधानसभा सीट से जीत कर आई हैं। चौथे नंबर पे है रश्मि सिंह जो कि तखतपुर विधानसभा से जीत कर आई हैं। पांचवे में है रेणु जोगी जो कि कोटा विधानसभा सीट से जीती हैं। उसके बाद है इंदु बंजारे जो कि पामगढ़ विधानसभा सीट से जीती हैं। इसके बाद आते हैं ममता चंद्राकर, ममता चंद्राकर जो है वो पंडरिया विधानसभा सीट से जीती हैं। इसके बाद आते हैं उत्तरी जांगड़े जो कि सारंगढ़ विधानसभा सीट से जीती हैं। इसके बाद आता है नाम अनिला भेड़िया का जो कि डोंडी लोहारा सीट से जीती है। अनिला भेड़िया से आपको ये भी याद रखना है क्योंकि तो अभी जो है महिला एवं बाल विकास मंत्री भी बनाई गई है अनिला भेड़िया, ठीक है, जो कि डोंडी लोहारा से जीती है। अगला है अनीता शर्मा जो कि धरसीवा सीट विधानसभा सीट से जीती हैं। अगला है शकुंतला साहू जो कि कसडोल विधानसभा सीट से जीती हैं। इसके बाद आती है रंजना साहू जो कि धमतरी विधानसभा सीट से जीती हैं। और इसके बाद आती है लक्ष्मी ध्रुव जो कि सिहावा सीट से जीती हैं। ठीक है, तो टोटल ये जो है 13 महिला विधायक हैं जो कि अभी जीत कर आए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है जिसमें अनिला भेड़िया जो है महिला एवं बाल विकास मंत्री भी बनी है। इसके अलावा जो है आपको पूछा भी जा सकता है कितनी संख्या है, इसके अलावा आपको मैचिंग में भी पूछा जा सकता है। तो 90 विधानसभा से कौन कहां से जीता आपको ये भी याद रखना चाहिए क्योंकि आपको मैचिंग में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम कृषि कर्मण पुरस्कार 2016-17। ठीक है, वर्तमान में जो है अभी हाल ही में कृषि कर्मण पुरस्कार की घोषणा की गई है। कब की गई है? 13 दिसंबर 2018 को। जो पुरस्कार की घोषणा 2018 में हुई है, लेकिन ये कृषि कर्मण पुरस्कार कौन से सन के लिए दिया जा रहा है? 2016-17 के लिए दिया जा रहा है, लेकिन इसकी घोषणा 2018 में हुई है। तो 13 दिसंबर 2018 को जो है कृषि कर्मण पुरस्कार की घोषणा की गई है 2016-17 के लिए। तो छत्तीसगढ़ ने ये पांचवी बार जो है कृषि कर्मण पुरस्कार जीता है, और पांचवी, और इसमें कृषि कर्मण पुरस्कार में छत्तीसगढ़ को 5 करोड़ रुपए भी मिलेगा इस अवार्ड को जीतने के लिए। तो पेपर में कृषि कर्मण पुरस्कार से 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखना है ये पांचवी बार पुरस्कार है जो छत्तीसगढ़ ने जीता है कृषि कर्मण पुरस्कार। ठीक है, तो इसके पहले कब कब जीता है? 2010-11 में, 2012-13 में और 2013-14 में धान उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ ने कृषि कर्मण पुरस्कार जीता था। कौन कौन से वर्ष? 2010-11, 2012-13 और 2013-14 धान उत्पादन के लिए। वर्ष 2014-15 जीता था दलहन उत्पादन के लिए। तो आपको याद रखना है शुरू के जो 3 वर्ष थे 10-11, 12-13 और 13-14, उस समय धान उत्पादन के लिए। 2014-15 में दलहन उत्पादन के लिए खरीद जीता था, यह पीएससी का क्वेश्चन था। ठीक है, पिछले के पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया था किसके लिए जीता है। और 2016-17 जो वर्तमान में दिया गया है वो है कृषि तकनीक में बेहतर प्रदर्शन के लिए। तो आप याद रखना है कृषि तकनीक में बेहतर प्रदर्शन के लिए जो है छत्तीसगढ़ को अभी कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। इसके साथ फर्स्ट पुरस्कार में 3 राज्यों को चुना गया था, पहला महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़। ठीक है, ये 3 राज्यों को नंबर 1 चुना गया है कृषि तकनीक में, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है छत्तीसगढ़ के अलावा किन 2 राज्यों को मिला है, तो महाराष्ट्र और राजस्थान। ठीक है, तो ये हो गया कृषि कर्मण पुरस्कार जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ में महिला महापौर कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में महिला महापौर जो है, पहला है रेणु अग्रवाल जो कि कोरबा में, कोरबा नगर निगम की महापौर रही है रेणु अग्रवाल।
दुर्ग नगर निगम की महापौर है चंद्रिका चंद्राकर, रायगढ़ नगर निगम की है मधु किन्नर, बिरगांव नगर निगम की है अंबिका यदु, इसके बाद आता है धमतरी नगर निगम की है अर्चना चौबे, और चरोदन भिला जो चरोदा भी नया नगर निगम बना था भिलाई चरोदा, उसकी जो है नगर निगम की जो महापौर है वो है चंद्रकांता मांडले। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये छह जो मैंने बताया नगर निगम जिनकी महिला महापौर है, रेणु अग्रवाल कोरबा की, चंद्रिका चंद्राकर दुर्ग की, मधु किन्नर रायगढ़ की, अंबिका यदु बिरगांव की, अर्चना चौबे धमतरी की और चंद्रकांता मांडले चरोदा की, ये सबसे नई है, हाल ही में चुनाव हुए थे, एक एक डेढ़ साल हो रहा है, तो यहाँ पर चंद्रकांता मांडले जो है विजयी हुई थी। ठीक है, अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में, क्योंकि अभी न्यायाधीश बहुत सारे वहां पे मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति हुई है, अन्य न्यायाधीशों को भी वहां पर अभी नियुक्ति हुई है, तो वर्तमान में कौन कौन न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है वो देखते हैं। उससे पहले देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, अजय त्रिपाठी। ठीक है, 2018 से ये जो है अजय त्रिपाठी छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, जो अभी वर्तमान में भी है। इसके पहले कौन, ये जो है अजय त्रिपाठी पटना हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं, तो इसके पहले कौन कौन से हमारे यहाँ मुख्य न्यायाधीश रहे वो भी देखते हैं। आपको ये सन भी याद करना पड़ेगा जो मैंने बाजू में लिखा है, क्योंकि एक बार पीएससी में क्वेश्चन पूछा था 2008 में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन था, इस तरीके से भी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, तो आपको याद रखना है सन भी, जो मैंने इसलिए बाजू में मेंशन किया है। ठीक है, तो अजय त्रिपाठी के पहले कौन थे, टीपी राधाकृष्णन जो कि 2017 से 2018 तक रहे हैं, इसके पहले थे दीपक गुप्ता जो कि 2016 से 2017 तक रहे हैं, उससे पहले थे नवीन सिन्हा जो कि 2014 से 2016 तक रहे हैं, उसके पहले थे यतीन्द्र सिंह जो कि 2012 से 2014 तक रहे हैं, इसके पहले थे राजीव गुप्ता जो कि 2008 से 2012 रहे हैं। राजीव गुप्ता के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखिएगा 2008 से 2012 रहे हैं। इसके पहले रहे एचएल दत्तू जो कि 2007 से 2007 तक ही रहे हैं। एचएल दत्तू को भी आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि जो ये है ये सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस बने थे। ठीक है, इसके पहले थे एस आर नायक जो कि 2005 से 2006 थे, इसके पहले थे अनंत पटनायक 2005 से 2005, उसके पहले थे ए एस वी मूर्ति 2004 से 2005, फिर उसके पहले थे के एच एन कुरंगा 2002 से 2004, उसके पहले थे डब्ल्यू एस सिसांग 2000 से 2002। तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, डब्ल्यू एस सिसांग। जब छत्तीसगढ़ बना था उस समय एक्टिंग यानी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया था, वो थे आर एस गर्ग। ठीक है, आर एस गर्ग छत्तीसगढ़ राज्य जिस दिन बना था उस समय के लिए एक्टिंग चीफ जस्टिस थे आर एस गर्ग। उसके सबसे पहले चीफ जस्टिस कौन रहा, डब्ल्यू एस सिसांग, उसके बाद ये क्रम रहा। तो आप सन भी याद करेंगे जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान में चार नए जजों की भी नियुक्ति की गई है, वो जज कौन कौन से हैं? ठीक है, चीफ जस्टिस के अलावा अन्य जज भी होते हैं, वो है पार्थ प्रतिम साहू, गौतम चौरड़िया, विमला सिंह कपूर और रजनी दुबे। तो विमला सिंह कपूर जो अभी नियुक्ति की गई है जिनकी, ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की पहली आदिवासी जो यहाँ पे जज बनी है। तो आपको याद रखना है विमला सिंह कपूर जो कि फैमिली कोर्ट से आई है, तो आपको याद रखना है विमला सिंह कपूर जो है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की पहली आदिवासी जज है। ठीक है, इसके अलावा ये चार लोग जो हम पढ़ लिए ये चारों की जजों के जज के रूप में भी नियुक्ति हुई है। तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में टोटल 18 हाई कोर्ट में 18 जज हो सकते हैं, एक चीफ जस्टिस, 17 अन्य जस्टिस हो सकते हैं। वर्तमान में जो है एक चीफ जस्टिस और 14 अन्य जज है, यानी टोटल 15 जज हैं अभी। ठीक है, चीफ जस्टिस को गिन के ये पूरे डाटा जो है मैंने हाई कोर्ट की साइट में लिया, कुछ करेंट की बुक में यहाँ पे इसको 15 जज वर्तमान में दिया, लेकिन वर्तमान में हाई कोर्ट की साइट भी आप देख लीजिएगा 14 जज ही दिखा रहा है। ठीक है, 14 जज और एक चीफ जस्टिस, टोटल 15 जज दिखा रहा है, तो आप ये हाई कोर्ट की साइट से देख सकते हैं। अगला हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण आयोग और उनके अध्यक्ष कौन कौन है। अभी योग आयोग जो बनाया गया था उसके अध्यक्ष है संजय अग्रवाल, शिक्षा आयोग के अध्यक्ष है चंद्रभूषण शर्मा, सातवां वेतन आयोग जो बनाया गया था उसकी मतलब छत्तीसगढ़ में लागू कराने के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था विवेकधान समिति, और जो सातवें वेतन आयोग के अनुसार जो भत्ते दिए जाएंगे उसके लिए भी एक समिति बनाई गई थी जिसके प्रमुख यहाँ पर बनाया गया था सहला निगार समिति, जिनके प्रमुख थे। ठीक है, उस समिति का नाम था सहला निगार समिति। इसके अलावा पेंड्रा गोरेला क्षेत्र में जो है नसबंदी जब हुआ था तो वहां पे जो है उसकी जांच करने के लिए एक आयोग बनाया गया था नसबंदी आयोग, जिसके प्रमुख थी अनीता झा। ठीक है, तो योग आयोग संजय अग्रवाल, शिक्षा आयोग चंद्रभूषण शर्मा, सातवां वेतन आयोग को लागू करना है कि उसके लिए विवेकधान समिति बनाई गई थी, भत्ते जो सातवां वेतन आयोग में जो भत्ते बताए गए थे उसको लागू करने के उसके लिए सहला निगार समिति बनाई गई थी,
और पेंड्रा कोलेरा जो गौरेला नसबंदी आयोग की वहां जांच करने के लिए जो आयोग या समिति बनाई गई उसकी प्रमुख थी अनीता झा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कृषि कर्मण पुरस्कार और हाई कोर्ट में जो जज वाले इससे संबंधित पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, बाकी जो करंट का अदर पार्ट है उसको भी हम कवर करते जाएंगे, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।